The Steelbird SBS 6 is here. This is innovation at its all-time peak, with more air vents than ever. Keep your cool as you burn the darts. We had the best Italian designer, X-Tech Design, working with us to make this beauty rock. Men, go grab the sleek fuse. And women, you know, you'd love that gorgeous Ella. We are ISI approved and meet all European safety standards. Supremely luxurious, replaceable interiors give you comfort. Get your Steelbird SBS 6 today. Change the way you ride forever. Available at more than 5,000 stores across the country and on all online portals. Please do like this video and subscribe to my channel, and don't forget to click this bell button for my future uploads. Welcome back to my channel, guys. I'm back with another review video. But video start करने के पहले एक dialogue देने का मन कर रहा है. वैसे तो जरूरी नहीं है dialogue देना, but मन कर रहा है इसलिए दे देता हूँ. जैसे एक राजा नहीं बन पाता है without his crown. वैसे एक biker, एक proper biker नहीं बन पाता है without his helmet. So as a biker, मैं आज आप लोगों के सामने हाजिर हूँ दो helmets को लेकर, और इन दो helmets का ही मैं आज review करने वाला हूँ. Both of these two helmets are from Steelbird, और दोनों के अंदर same helmet है SBS 6, but डिफरेंस यही है कि एक है फीमेल वर्जन एंड एक है मेल वर्जन. फीमेल वर्जन का नाम है एला एंड मेल वर्जन का नाम है फ्यूज. पूरा दोनों हेलमेट ही बॉक्स पैक है. मैं आप लोगों के सामने आज इसका अनबॉक्सिंग करूंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा कि हेलमेट कैसा है. एंड लेट्स सी हाउ दिस टू हेलमेट लुक्स लाइक. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. एंड यहाँ रहा मेरा चाकू. सो चलिए काटते हैं बॉक्स और निकाल लेते हैं हेलमेट को बाहर. फर्स्ट बॉक्स, इसके अंदर क्या है मुझे पता नहीं है. मेल वर्जन होगा या फीमेल वर्जन, चलिए देखते हैं. आप लोग कमेंट करके बताना मेल वर्जन होगा या फीमेल वर्जन. सो चलिए अभी निकाल लेते हैं. इसके साथ इसके अंदर हम लोगों को और एक बॉक्स मिलता है. ओके, वाह, बॉक्स बहुत ही खूबसूरत है. SBA मॉडल नंबर है SBA 6. ओके, तो एक काम करते हैं, उसको भी निकाल लेते हैं, उसको भी अनबॉक्स करते हैं, उसके बाद दोनों बॉक्स को खोलेंगे. एंड हियर कम्स अनदर बॉक्स. अब इसके अंदर क्या है, एक के अंदर मेल वर्जन रहेगा तो दूसरे के अंदर फीमेल वर्जन रहेगा ऑब्वियसली. ओके, सो दिस वन इज ब्लू इन कलर एंड दिस वन इज पिंक इन कलर. सो इससे पता चल रहा है कि इसके अंदर फीमेल वर्जन है और इसके अंदर मेल वर्जन है. तो पहले क्या करते हैं, फीमेल वर्जन को ओपन करते हैं. आई एम श्योर कि इसके अंदर फीमेल वर्जन ही रहेगा. ओके, और एक चीज बहुत ही अच्छा है स्टीलबर्ड का कि स्टीलबर्ड आर प्रोवाइडिंग यू बुक्स. मुझे एक वाला बुक बहुत बार मिल चुका है और इसमें लिखा है मेमोरीज ऑफ अ स्पिरिचुअल टाइकून. यार ये वाला चीज क्या है, इसमें और भी कुछ मिलता है. हेलमेट SBS 6 एयर वेंट कवर्स आपको मिलता है. वाओ मैन, जेन्युइन पार्ट्स. एंड हियर कम्स द हेलमेट. अंदर और कुछ नहीं है, चलिए देख लेते हैं हेलमेट कैसा दिखता है. वाओ, और इसका वाइजर ब्लैक कलर का आता है, बॉडी मैट ब्लैक का, और इंटीरियर आता है मेरून कलर का होपफुली. ओके, तो मैं अभी इसका जो वाइजर का कवर है वो पील ऑफ नहीं करता हूँ क्योंकि अभी मुझे यूज़ तो नहीं करना है और वैसे भी लेडीज़ वर्जन है तो मुझे यूज़ करने का कोई ज़रूरत भी नहीं है. तो अभी इसको रखते साइड में और मेल वर्जन को एक बार निकाल लेते हैं. सेम मेल वर्जन के साथ भी आप लोगों को बुक मिलता है. एंड दिस इज़ अ रिलीजियस बुक. यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है लॉर्ड कृष्णा का पिक्चर है और हिंदी में लिखा हुआ है. दैट्स अ रियली नाइस थिंग. और अंदर क्या मिलता है, सेम इसके साथ भी आपको मिलता है एयर वेंट्स का जो कवर है वो मिलता है. एंड हेलमेट, चलिए हेलमेट को एक बार निकाल लेते हैं. बोथ ऑफ दिस टू हेलमेट्स आर हाफ फेस्ड हेलमेट. सो वाओ, दिस हेलमेट इज ऑल्सो कूल. सो ये वाला हेलमेट आपको मिलता है मेरून कलर का, मुझे मिला मेरून कलर का, आपको भी मिलेगा, ऐसा कोई नहीं है. यू कैन इजिली चूज योर डिजायर्ड कलर.
तो इसका इंटीरियर है ब्लू कलर का और ग्लास है ट्रांसपेरेंट एंड बॉडी का कलर है मेरून। वेयर एज मुझे फीमेल वर्जन का जो ग्लास है वो मिला, वाइजर जो है वो मिला ब्लैक इन कलर, बॉडी मिला मैट ब्लैक एंड इंटीरियर मिला मेरून कलर का। सो दोनों हेलमेट्स को अगर एक साथ देखा जाए, बोथ ऑफ दिस टू हेलमेट्स लुक क्वाइट सिमिलर। यस, बोथ ऑफ दिस टू हेलमेट्स आर कंप्लीटली सिमिलर यार। तो चलिए अभी दो हेलमेट्स को पहन कर देख लेते हैं कैसा दिखता है। मैं दोनों हेलमेट्स को ही पहनूंगा, ऐसा नहीं है कि फीमेल वर्जन है तो नहीं पहनूंगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं मेल वर्जन के साथ। तो मैंने अपना जो कंफर्टेबल साइज है वो चुन लिया। आप लोग भी जब खरीदिएगा अपना कंफर्टेबल साइज देखकर ही खरीदेगा ताकि आपका जो हेलमेट है वो आपके सर में ठीक तरीके से फिट हो सके। और आपको पता है इसका स्टील बट का लॉक लगाना बहुत ही ईजी है, जस्ट आपको पुश करना पड़ेगा, लॉक हो गया। और चलिए एक बार वाइजर को नीचे कर लेते हैं। मुझे तो दिख नहीं रहा है बिकॉज इसका स्टिकर लगा हुआ है, बट कंफर्टेबल बहुत ही हेलमेट है, सिटी राइड्स के लिए परफेक्ट है। या अगर आप लोग कोई क्रूजर बाइक चला रहे हैं जैसे बुलेट या रॉयल एनफील्ड का कोई बाइक या कुछ भी और भी क्रूजर टाइप का बाइक, सो उसमें भी ये हेलमेट बहुत ही कमाल का रहेगा। दिस हेलमेट्स आर नॉट फॉर द हाईवे, दिस आर मेंट फॉर द लोकल सिटी राइड्स। अगर हाईवे में आप लोग चला रहे हैं तो हमेशा फुल फेस हेलमेट लीजिएगा, बट सिटी के लिए बहुत ही कम्फर्टेबल हेलमेट है। और अभी चलिए एक बार पहन लेते हैं एला जो वुमेन वर्जन है, बस मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है यार। दो हेलमेट्स तो एकदम कम्प्लीटली सिमिलर है, मुझे पता नहीं है दो हेलमेट का डिफरेंस उतना क्या है। देखने से तो दोनों हेलमेट कम्प्लीटली सेम लगता है, सिर्फ फर्क यही है कि इसका इंटीरियर और इसका इंटीरियर थोड़ा सा डिफरेंट है और कलर इनमें आप लोगों को दो डिफरेंट कलर मिलता है। वैसे तो यूनिसेक्स टाइप का ही हेलमेट है, मेल वर्जन भी फीमेल पहन सकता है या फीमेल वर्जन भी मेल पहन सकता है, उतना कोई डिफरेंस है नहीं। So if you are a girl, this helmet is for you, and if you are a guy, then this helmet is for you. वैसे दोनों हेलमेट बहुत ही कमाल का है। एंड अगर कंफर्टेबल का बात कर लेते हैं, सो हेलमेट का कुशनिंग बहुत अच्छा है, कंफर्ट बहुत अच्छा है, इसका जो सॉफ्टनेस है अंदर वो बहुत ही अच्छा है। और एज यू कैन सी इसका जो एयर वेंस है वो बहुत सारा है, सामने से शुरू होता हुआ पीछे की तरफ बहुत सारे एयर वेंस है। सो एयर वेंटिलेशन के लिए आपको दिक्कत नहीं होगा, आपको स्वेटिंग नहीं होगा, बहुत ही कमाल का हेलमेट है। और पीछे यहाँ पर आपको मिल जाता है स्टील बट का बैजिंग, फिर यहाँ पर ISI मार्क भी दिया हुआ है, और सामने तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि यहाँ पर एला है, यहाँ पर फ्यूज़ है, बाकी हेलमेट दोनों ही कमाल का है। और टफनेस का अगर बात कर ले तो सो टफनेस भी बहुत हेलमेट में है, बहुत ही अच्छा हेलमेट है। और देख सकते हैं मैं बहुत ही प्रेशर लगा रहा हूँ बट हेलमेट फोल्ड नहीं हो रहा है उतना इजीली, स्लिप कर रहा है। सो टफनेस बहुत ही कमाल का है। और इंटीरियर भी मैंने आप लोगों को बता दिया, दोनों हेलमेट का इंटीरियर कमाल का है, दोनों हेलमेट देखने में भी बहुत कमाल का है। एंड मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ दोनों हेलमेट का प्राइस कितना है। बोथ ऑफ दिस टू हेलमेट्स आर सिमिलर इन प्राइस, दोनों का दाम ही नियर अबाउट 1200 रुपीज़ है। तो 1200 रुपीज़ में आपको बहुत ही अच्छा हेलमेट मिल रहा है स्टील बार की तरफ से, इतना कम्फर्टेबल हेलमेट, इतना टफ हेलमेट और इतना खूबसूरत गुड लुकिंग हेलमेट आपको मिल रहा है एट अ प्राइस ऑफ ओनली 1200 रुपीज़। सो मैं डिस्क्रिप्शन में स्टील बट का ऑफिशियल वेबसाइट दे दूंगा, गो देयर एंड चेक इट आउट, देयर आर लॉट्स ऑफ अदर कलर वेरिएंट्स ऑफ दिस हेलमेट। दिस इज द SBS 6 जो आपको दो वेरिएंट्स में मिलता है, वन इज़ फॉर द मेल, अनदर वन इज़ फॉर द फीमेल, एंड बोथ ऑफ दिस टू हेलमेट्स आर रियली अमेजिंग इन लुक। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बी सेफ एंड राइट गाइस एंड ऑलवेज वेयर अ हेलमेट। बाय बाय।